Hello viewers, I am Sajid Mehmood. You are watching Pactel Mobile Store YouTube channel. Today I'm going to unboxing a 12 something. जो हम अनबॉक्सिंग आज करने के लिए जा रहे हैं समथिंग की एक नई डिवाइस है जो कि अभी फर्स्ट टाइम ही मार्केट में लॉन्च हुई है। ये दो वर्जन में मार्केट में लॉन्च हुई है जो 4/128 है और एक है 4GB/128 और एक है 4GB/64 एसएसडी। जो हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे पास है ये समथिंग का 8/12 4GB रैम और 64GB SSD के साथ है। इसकी हम अनबॉक्स करेंगे। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल पैक्टल मोबाइल स्टोर यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही मोबाइल फोन मोबाइल एक्सेसरी और सब की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो आती रहे। आज हम फाइनली इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं और हम देखते हैं अब अनबॉक्स करने के बाद हमें इस बॉक्स में देखने को क्या क्या मिलता है। तो हम फाइनली ये मुझे लग रहा है जो ये वर्जन है ये वाइट कलर का है और बाकी वाइट है। और मैं दूसरी चीज़ इसमें बता दूं कि आपको इसमें 12GB जोंग इंटरनेट जो फ्री मिलता है। अगर आप मार्केट से बाय करेंगे तो आपको 12GB इंटरनेट इसको फर्स्ट टाइम फ्री मिलेगा। और इसके कुछ फीचर्स खास नहीं लिखे, सिर्फ मॉडल लिखा हुआ है। बैक साइड पर भी कुछ नहीं लिखा। ओपन करके देखते हैं बुक्स में यहाँ पर कुछ है या नहीं है। तो फाइनली हम इसको ओपन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें एक वारंटी कार्ड मिला है। ये जो वर्जन है इसका वारंटी कार्ड है। ये वैसे ऑनलाइन वारंटी होगी और साथ भी अभी समथिंग वारंटी कार्ड दे रहे हैं। और इसके अलावा फाइनली हम इसको ओपन करते हैं। इसका जो डिस्प्ले है ये PP37i है और ये पहले जो डिस्प्ले आम नॉर्मल डिवाइस पे PPLS आता था उससे ये बेहतर है। और इसका जो टच है काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी बेहतर है। इसको टच करते हैं हम, ये बहुत स्पीड के साथ काम करता है इसका जो टच है और बहुत बेहतर ही परफॉर्मेंस अदा करता है इसका टच। और इसके जो सॉन्ग डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आते हैं और आप इसका सॉन्ग सुनने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि एक इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है। इसकी वीडियो देखनी हो या आपने शॉर्ट्स वीडियो देखनी हो आपको बहुत मज़ा आएगा। और क्योंकि इसका पैनल बहुत ही खूबसूरत पैनल है, इसका बेहतरीन पैनल है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इस प्राइस में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम जो दिया गया है। लेकिन सैमसंग हमेशा ऐसे डिस्प्ले ऐसे बहुत ज़्यादा बजट में लेके आता है इस कैटेगरी में। अब पहली मरतबा दूसरे मी कंपनी होगी या जो चाइनी ब्रांड्स हैं उनको धक्का दिया इसने और कॉम्पिटिशन में आ गया और पीछे ऑडियो पायनासिंग आ गए हम। ये समथिंग इस तरह लेके आ रहा है अपने आप को आगे। तो फाइनली जो हमने इसका ये टच डिस्प्ले का आपको बता दिया, 6.5 इसका डिस्प्ले है और इसके साथ जो मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें कलर ब्लू वाइट और ब्लैक आते हैं, जो आपका चूज है वो ले सकते हैं। बाकी इसकी चिपसेट की बात, Helio P35 इसमें चिपसेट इस्तेमाल की गई है। वो इतनी बेटर तो नहीं है अगर आप गेमिंग करते हैं, लेकिन वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि फोटोज़ कैप्चर करने के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो ये पर चिपसेट बहुत ही अच्छी काम करती है। अगर आप हैवी गेमिंग करना चाह रहे हैं, हैवी वर्क करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये इतनी मुनासिब नहीं है। वहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। और अगर आप अगर इसे बेहतर इसी प्राइस कैटेगरी में इसे अच्छी अगर आप परफॉर्मेंस गेम पर लेना चाह रहे हैं तो चाइना ब्रांड आपको दे रहे हैं, आप वहाँ पे शिफ्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं जो इसी प्राइस कैटेगरी में। लेकिन ये अगर आप एक फेसबुक यूज़र है और एक टिकटॉक यूज़र है, एक नॉर्मल यूज़र है और आप सोशल यूज़र है और उसके अलावा आप
कैमरा अच्छा चाहते हैं, डिस्प्ले अच्छा चाहते हैं, तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए ये एडवाइस, क्योंकि ये कैमरा और सोशल वर्क, सोशल के लिए और कैमरे के लिए और इन चीज़ों के लिए ये बेस्ट डिवाइस है। डिस्प्ले के लिए बेस्ट है, जरा गेमिंग के लिए हट गया है, लेकिन हमने फिर भी इसका गेमिंग रिव्यू बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं इसका गेमिंग बटन देख सकते हैं। हम फाइनली कैमरे की तरफ जाते हैं, जो इसके बैक कैमरा दिया गया है, रियल कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल रियल कैमरा दिया गया, उसके साथ 5 मेगापिक्सल लेंस दिया गया आपको, अल्ट्रा वाइड लेंस है ये, और उसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है मैक्रो, और उसके साथ फिर भी 2 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया मैक्रो, जो कि आपकी जो लाइट होती है उसको मजीद इंक्रीज करता है और बेटर क्वालिटी ला के पिक्चर दिखाने की करता है। इसका हम कैमरे का फुल ओवरव्यू, और फ्रंट कैमरा आपको बता दूं 8 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही गहराई तक इंफॉर्मेशन ले लेता है। मजीद आप कैमरे का जो रिव्यू है, ये ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपने इधर दिया, इधर मैं हमेशा गलत कह देता हूँ, ये कैर ऊपर आ रहा होगा इधर लेफ्ट राइट, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कैमरे का रिव्यू मुकम्मल देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमने आपको अनबॉक्सिंग करके तमाम चीज़ें बता दी, आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारी ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको बार बार पर आते रहिए। अपने होस्ट साथ में इजाजत, अगली वीडियो को जल्दी मिलेंगे, गुड बाय।